सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अयोध्या राम मंदिर मुद्दे पर कुछ दिनों में फैसला सुनाए जाने को लेकर बुधवार को खरगोन जिले के भिकनगांव पुलिस थाने पर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के वरिष्ठ नागरिकों से एसडीओपी आरआर अवस्य ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर पर फैसला जो भी आए, नगर में अमन शांति बनी रहना चाहिए। निर्णय जो भी हो, न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य है। थाना प्रभारी संतोष सिसोदिया ने बैठक के दौरान नगर की समन्वय समिति बनाकर वरिष्ठ सदस्यों से प्रमुख बिंदुओं पर विचार विमर्श किया, जिसमें सुझाव आए कोर्ट का फैसला जो भी हो, नगर में फटाके फोड़ना और जश्न मनाना प्रतिबंधित रहेगा और व्हाट्सएप फेसबुक पर किसी भी धर्म विशेष पर कोई भी टिप्पणी नहीं करे। वहीं शांति समिति की बैठक के दौरान नगर में शांति सद्भाव के लिए हस्ताक्षर भी किए गए। शांति सद्भाव के लिए शांति मार्च निकाला। नगर में शांति सद्भाव बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नगर के गणमान्य नागरिकों ने भोला चौक, राम मंदिर, कसाई मोहल्ला होते हुए छोटे चौराहे, जामा मस्जिद चौक तक शांति मार्च निकाला और नगर की आम जनता के साथ मिलकर हस्ताक्षर अभियान चलाया और नागरिकों को थाना प्रभारी संतोष सिसोदिया के द्वारा हस्ताक्षर अभियान की जानकारी भी दी। भिकन गाँव से शक्ति धनगर की रिपोर्ट। जो आगामी उच्चतम न्यायालय द्वारा अयोध्या प्रकरण को लेकर जो निकट भविष्य में फैसला आने वाला है, उसी में सांप्रदायिकता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया गया और आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी फैसले को लेकर काफ़ी बिंदुओं पर चर्चा की गई। कुछ जनता के द्वारा सुझाव दिए गए और वार्डों में चर्चा करना सुझाव दिया गया और भी शासन प्रशासन की तरफ से उचित पहल सांप्रदायिक सौहार्द बनाए किया जाए। सर, शांति मार्च भी निकाला था, कहाँ से कहाँ तक निकाला शांति मार्च और क्या संदेश दिया गया जनता को? शांति मार्च निकालने का उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में आगामी फैसले को लेकर लोगों के बीच में ये मैसेज जाए कि अपने को सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना है और सभी हिलमिल कर काम करना है ताकि किसी प्रकार कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बनी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।